आप शॉपकीपर हैं, सारा काम आप करते हैं? जी सारा काम मैं करता। क्या नाम है? इमरान। इमरान कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, खुश हो अपने काम से? पहले खुश था लेकिन 1.5 साल से नहीं खुश। क्यों? अर्न नहीं हो रहा जितना। क्या वजह? जितनी स्ट्रगल बिजनेस नहीं है, सबसे बड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही हम लोगों की। बिजली चोरी भी होती है? होती है, और उसकी वजह से लाइट भी जाती है। ऐसा ही है, आपको पता है? आपको पता ही है। बिल्कुल, आपको पता। इस बारे में क्या राय है? करप्शन नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि बेसिकली ये सारा करप्शन का जो चक्कर है नीचे से चल रहा है। ऐसा सारे सोचे तो मुल्क सही तरह ना चलना शुरू हो जाए। सोचता कोई नहीं, ऐसा कोई सोचता ही नहीं। कभी देखोगे बिजली चोरी होते हुए तो पकड़ोगे उन्हें? कोई एक्शन लोगे? एक्शन क्या, रिपोर्ट करो। नाम क्या? मोहम्मद कज़र। मोहम्मद क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। कहाँ पे? NCA। What are you studying? फिल्म मेकिंग पढ़े हो? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर पढ़े हो, सो आर्किटेक्ट बनने वाले हो? हाँ, obviously. पर ऑन द अदर हैंड देन वी हैव सम मसलास गोइंग ऑन, जो कि मेरे पास तो बिजली का एक मसला है जो मैं हल करवाने के लिए, आगे पास भी है, सबके पास है ये, माशाल्लाह सबके पास है। हाँ, माशाल्लाह। तो इस बारे में क्या राय? मैं सीधा सा ये कहूँगा कि हम लोगों पे जो चीज़ भी अप्लाई की जाती है हम उसे बड़े इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, वो कहते हैं कि हम आज 12 घंटे जाएगी, तो हम कह लेते हैं ओके ठीक है 12 घंटे, कल 11 घंटे जा रही थी, आज 12 घंटे चली गई, कोई मसला नहीं। हाँ, बस आपस में गालियाँ देके कोई उठेगा नहीं, कोई बोलेगा ही नहीं उसके खिलाफ। ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए। कुछ करते हैं तो अपने ही नुकसान करते हैं, अपनी गाड़ियाँ चला देंगे। वो तरीका ठीक नहीं है। एहतजाज करो, बॉयकॉट करो चीज़ों का, आप ना यूज करो। तो और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करने को कह रहा मैं। हाँ, एहतजाज, वो तो बेचारे उसका क्या कसूर जिसकी गाड़ी आपने चला दी। बिल्कुल, तो यानी हमें कुछ तो प्रोटेस्ट करना चाहिए, बट इन अ पॉजिटिव वे। इन अ पॉजिटिव वे, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मोहम्मद, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, एंड आई एम सरप्राइज्ड दैट एनसीए इज नॉट ओनली टीचिंग यू आर्किटेक्ट्स, इट्स टीचिंग यू लाइफ एज वेल, व्हिच इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच, वेरी राइट। सिंस ये बात मैंने पहले भी की थी और मैं दोबारा कहूँगा, सिंस मोहम्मद ने बहुत अच्छी बात कही कि एहतजाज होना गलत नहीं है, पर पाकिस्तान में जो कॉमन टाइप ऑफ एहतजाज है वो गलत है, तो उसको बेहतर करना है। अगर एहतजाज करना है तो यस, आप चीज़ों का बायकॉट कर सकते हैं आप, और बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप हिस्ट्री थोड़ी सी स्टडी करें तो आपको पता लगेगा, किसी की गाड़ी जला देना, किसी की बाइक पर तेल छिड़क के आग लगा देना, चीखे मारना, डंडे लेके भागना इज़ डेफिनेटली नॉट द सॉल्यूशन, सो यू शुड गेट रिड ऑफ दैट। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मसूद। आपका नाम क्या है? नुज़रत। ओके, अब मुझे बताएं कि आप लोग शॉपिंग के लिए निकले हैं और कुछ लेके दिया इन्होंने आप? नहीं, अभी तो नहीं। नहीं, बच्चे का काम तो लिया है ना। हस्बैंड का क्रेडिट नहीं खाना चाहिए। कितना अर्सा हो गया आप लोगों की शादी को? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, और 3 साल से ही पाकिस्तान में बिजली की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो आप लोगों की शादी की वैसे तो नहीं हुई? मैं भी शायद नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो घर में आप ज़्यादा रहते हो गए बिकॉज यू आर दी हाउस वाइफ, तो घर में बिजली की वैसे क्या परेशानियाँ होती हैं, और आप बिजली बचाने की कोशिश करते हो? लाइट नहीं जाती है। लाइट ही नहीं जाती? ऐसी कौन सी जगह है मुझे बताएं, मैंने भी वहाँ रहना है। कौन सी? तो आपको तो ये महसूस ही नहीं होता कि लाइट से क्या? इर्द गिर्द के लोगों ने बताया कि रिश्तेदार दूर रहते हैं, उन बताते हैं क्या बताते हैं? प्रॉब्लम होती है, हर मैटर में प्रॉब्लम होती है। आप किस तरह जवाब देती हैं? आप तो बहुत खुश होती होंगी, आपकी तो लाइट नहीं जाती। मैं तो रिलैक्स होती, मैं क्या जवाब दिया करूँ। आप कहाँ काम करते हैं? मैं वाह में जॉब करता हूँ। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ लाइट जाती? नहीं, वहाँ नहीं जाती लाइट। ये दोनों मियां बीवी की शक्लें नोट करें प्लीज़। ये दो लकी तरीन लोग हैं इस दुनिया के जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान के, दुनिया के भी हैं आप लोग, क्योंकि पाकिस्तानी हैं तो दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे आप लोग लकी होंगे, और इनके यहाँ बिजली नहीं जाती। सो मैं इनसे क्या सवाल करूँ? रोशनी रास्ते का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा, किस टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहूँगा। हम सब बहुत गिले करते हैं, हम सब बहुत शिकायत करते हैं, हम सब की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज के बाद, इस एपिसोड के बाद मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा आई एम फीलिंग दिस कि शायद अभी भी हम यूनाइटेड नहीं हैं, हमारे ओपिनियंस एक नहीं हैं, हमें नहीं पता कि एहतजाज का असल तरीका क्या है, हमें नहीं पता कि चीज़ों का सलूशन कैसे ढूँढना होता है। हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा ठहर कर, दिमाग को थोड़ा ठंडा करके सलूशन के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि अगर अभी इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सलूशन नहीं है तो कोई सब सलूशन तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। यू थिंक अबाउट इट। अगले एपिसोड में मैं आपके साथ एक और दिन गुजारूंगा और उस दिन भी लोगों से मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि अगर रोशनी रास्ता है तो उस रास्ते पर चलना कब शुरू करेंगे।